हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड अखिला श्रीवास्तव। आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं बिल्कुल सॉफ्ट पकोड़े वाली कढ़ी रेसिपी, जो कि बस मुंह में खाते ही बस एकदम घुल जाए और आपके मुंह से बस आवाज़ निकले वाओ क्या यम कढ़ी बनी है। तो चलिए अब देखते हैं आगे वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करिए, जिससे आपको मेरे हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब कढ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में हाफ बड़े वाले बाउल से आप ले लेंगे बेसन और इसमें लेंगे मिलाएंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च अच्छा कलर आने के लिए और थोड़ा सा नमक, अपने स्वादानुसार नमक मिला लें। फिर ये सूखे में ही इसको पहले अच्छे से मिला लें, उसके बाद पानी लें और धीरे धीरे थोड़ा पानी मिलाते जाएँ और डालते जाएँ और इसे खूब अच्छे से मिलाते रहें, क्योंकि बेसन की गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। तो लगातार इसे खूब तेज़ी से मिलाते रहिए। देखिए अभी बिल्कुल मेरा बेसन एकदम अच्छे से घुल गया है, एक भी गुठली नहीं है, क्योंकि वो आ जाएगी तो फिर आपका अच्छे से कढ़ी बन के तैयार नहीं हो पाएगी। अब इसमें हम डाल देंगे नींबू, आप चाहे तो दही भी डाल सकते हैं, अमचूर भी डाल सकते हैं। मैं इसमें नींबू डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर ज़्यादा पसंद आता है। इसमें एक नींबू के करीब अच्छे से इसमें डाल दीजिए और इसको मिला लीजिए। अब चलिए इसके छौंका लगाने की तैयारी कर लेते हैं। इसमें लेंगे 4 छोटे चम्मच हम ऑयल ले लेंगे। अब इसे थोड़ा गर्म होने देंगे। इसके बाद इसमें 4-5 दाने मैं डाल दे रही हूँ काली मिर्च के और थोड़े से सरसों के दाने। काली मिर्च जब वो खाने के बाद उसमें आता है ना तो उसका फ्लेवर ही बिल्कुल अलग आता है। फिर आप डाल देंगे इसमें करी पत्ता, क्योंकि कढ़ी में तो बिना करी पत्ते के तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं आ सकता। उसके बाद थोड़ी सी अदरक, जो कि मुझे स्पेशली पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है कढ़ी में। इसके बाद आप ले लेंगे गार्लिक और हरी मिर्ची, थोड़ा उसे छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। फिर उसे डाल के थोड़ी देर उसे हम फ्राई होने देंगे ताकि तेल में ऑयल में उसका अच्छे से पूरा फ्रेगनेंस घुल जाए। अब उसके बाद हम डाल देंगे थोड़ा सा टर्मरिक, मैंने 1/2 टीस्पून के करीब लिया है टर्मरिक। इसके बाद जो हमने अपना कढ़ी बना के तैयार करके रखा हुआ है उसका पूरा घोल अब हम वो इसमें डाल देंगे और हल्दी को पहले ऑयल में ही डालने का रीज़न ये था कि उससे ना कलर बहुत ही अच्छा आता है और हल्दी पक जाती है तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। फिर अब इसको हम चलाते रहेंगे, थोड़ा सा इसमें 1 गिलास के करीब और पानी हम डाल देंगे, क्योंकि बेसन जितना ज़्यादा पकता जाएगा उतना ही ज़्यादा गाढ़ा होता जाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा पानी सोख करता है। देखिए अब हम कढ़ी को कितनी थिक लग रही है आपको, धीरे 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 जितनी पकती जाएगी उतनी ही ज़्यादा थिक होती जाएगी। चलिए अब पकौड़ी की तैयारी कर लेते हैं। तब तक इसमें हम लेंगे 1/2 कटोरी के करीब बेसन ले लेंगे, उसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा नमक, नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद थोड़ा सा आपका हल्दी, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर उसके बाद पानी लेके पानी इसमें धीरना थोड़ा सा डालते जाइए, इसे मिक्स करते जाइए। इसे गाढ़ा ही गूंथना है अपन को, बहुत ज़्यादा नहीं पतला करना है क्योंकि पकौड़ी बनानी है तो बहुत ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और इसे मिक्स करते जाइए और इसे हमें फेटते समय बहुत ध्यान रखना है, हमें इसे थोड़ा कोशिश करना है कि 5 मिनट तक हम इसे अच्छे से फेटते रहें और थोड़ा तेज से, क्योंकि आप जितना इसको फेटेंगे ना उतनी ही ज्यादा आपकी पकौड़ी सॉफ्ट भी बनेगी और काफी अच्छी बनेगी। अब इसे हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तब तक चलिए पैन में तेल गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम डाल देते हैं पकौड़ियाँ छानने के लिए, और ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं डालेंगे, छोटी छोटी डालेंगे, क्योंकि जब ये फूल जाएंगी तो फूल के ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएंगी काफ़ी, तो बहुत ज़्यादा बड़ी बना देंगे तो अच्छी नहीं लगेंगी। तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था इसलिए जल्दी अभी इसको चला देते हैं थोड़ा सा और धीमी आंच पे पकने देंगे ताकि पकौड़ियाँ थोड़ी अंदर तक पक जाएँ, इसीलिए थोड़ी छोटी पकौड़ियाँ डालते हैं ताकि वो अच्छे से पक जाएँ। ये देखिए अभी बिल्कुल बन के तैयार है अच्छी से, आपको तोड़ के दिखाती हूँ मैं। ये देखिए पक गई एकदम अंदर तक, एकदम सॉफ्ट सी। अब हम थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लेंगे
और उस गुनगुना पानी में हम इसको डाल देंगे। तेज गर्म पानी में नहीं डालना है, गुनगुना पानी में डालना है पकौड़ियाँ, तभी आपकी पकौड़ियाँ सॉफ्ट बनेंगी। अगर तेज गर्म पानी में डाल देंगे तो आपकी सारी पकौड़ियाँ टाइट हो जाएंगी। और देखिए अब कढ़ी में उबाल आ गया है और कढ़ी लगभग हमारी बन गई है। बस थोड़ा सा और पक जाए, लगभग करीब हमारी बन गई है। और देखिए कितना अच्छा कलर आया निकल के। अब हमारी कढ़ी बन के तैयार है, गैस बंद कर देते हैं। और ये भी देखिए पूरा पानी सोख कर लिया है, बिल्कुल कितनी फूल के बड़ी हो गई हैं हमारी पकौड़ियाँ और एकदम नरम हो गई होंगी अब तो। अब इसे हम मिक्स कर देते हैं हमारी कढ़ी में। ये देखिए डालने में ही टूट जा रही है, इतनी नरम हो गई, इतनी अच्छी। अब इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, अब आप इसे कट होते हैं, ये देखिए कितनी सॉफ्ट, कितनी यमी। और मैं आपको सच बताऊं तो बहुत ही यम बना था, बहुत ही डिलीशियस बना था। तो ये रेसिपी आप अपने घर पे ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका कैसा बना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।